नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर अच्छा खासा नाम है और इसके अंदर एक फिलहाल नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं ब्लू। इसका कंप्लीट रिव्यू बनाया हुआ है, बाय द वे, वो जाके देख लेना चैनल पे। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो वेरियंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक बेस मॉडल जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एक अर्बन मॉडल जो पहले इसका बेस मॉडल माना जाता था। अब दोनों के प्राइसिंग की बात करता हूँ तो इसका प्राइसिंग है 99,900 और इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ 1,15,000 इसका प्राइस आ जाता है। दोनों के प्राइस गैप में जो डिफरेंस आता है वो आता है 15,000 रुपये का। अब इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, 15,000 के अंदर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आते हैं, क्या ये लेनी चाहिए आपको या ये बेटर रहेगी आपके लिए, वो भी बात करेंगे। मुझे पर्सनली क्या पसंद है वो भी बात करेंगे, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं दोनों चेतक को कंपेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रंट की। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैकेनिकल चेंजेस कुछ नहीं होंगे यहाँ पे, मतलब बेसिकली अपने को जो ब्यूटी चेंजेस कह सकते हो वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अपने को देख सकते हो लाइट के ऊपर जो रिंग मिलती है वो सेटन सिल्वर फिनिश के साथ मिलने वाली है। इवन यहाँ पर भी अपने को सेटन सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल मिल जाता है, यहाँ पर भी सेटन सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल मिल गया, यहाँ पर अपने को बीच में क्रोम मिल जाता है, बट यहाँ पर अपने को कहीं भी क्रोम नहीं मिलेगा या फिर जो सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, मतलब पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल मिल जाता है। ये डिफरेंस दोनों के अंदर आ जाता है। फ्रंट में अपने को सस्पेंशन सेम मिलेगा सेटअप। ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स भी सेम मिलेंगे अपने को, मतलब कंबाइंड ब्रेक्स मिलने वाले हैं, अलॉय व्हील्स भी सेम मिलने वाले, टायर प्रोफाइल भी सेम मिल जाती है, ठीक है, मतलब मैकेनिकल चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे साइड प्रोफाइल की, तो साइड में सबसे पहले अपने को देखने के लिए मिलेंगे बेस मॉडल के अंदर ग्राफिक्स, आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो, यहाँ पर अपने को मतलब यहाँ स्टीकर लगा के दिया हुआ है, बट दूसरे वाले में अपने को यहाँ पर देख सकते हो 3D मिल जाता है और किसी भी तरह के ग्राफिक का इस्तेमाल यहाँ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह, यहाँ पर बटन्स में कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अपने को इल्यूमिनेटेड बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि रात में काफ़ी अच्छा मतलब फीचर हो जाता है। आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा बटन कहाँ पर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस चीज़ की, यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाती हैं, एक हुक मिल जाता है जो कि यहाँ नहीं मिलता, बट यहाँ पर अपने को कोई हुक नहीं मिलता, अपने को यहाँ पे हुक यहाँ पर मिलता है जो कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अपने को यहाँ पे बटन दबा के ये ओपन होगा और पॉकेट्स कवर्ड पॉकेट मिल जाती है। इवन यहाँ पर अपने को चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, फर्स्ट एड भी यहाँ अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं, इवन टूल्स भी यहाँ पर है और फर्स्ट एड गियर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ इस तरह रख सकते हो, जो कि उसके अंदर ये चीज़ मिस रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर कीज़ की, तो कीज़ अपने को यहाँ कुछ इस तरह देखने के लिए मिल जाती है, मतलब वायरलेस की आती है बेसिकली यहाँ पर अर्बन मॉडल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है बटन जो आप दबाएंगे तो मतलब अनलॉक हो जाएगा या फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें आ जाती है यहाँ पर। बट बेस मॉडल के अंदर अब कुछ इस तरह की आ जाती है, इसको लगाओगे जो टिपिकल होती है स्कूटर के अंदर, वही चीज़ अपने को यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये क्रैब हैंडल, यहाँ पर ये सिंपल प्लेन मिलता है बट यहाँ पे डबल स्टोरी मिल जाता है कुछ इस तरह, ठीक है। पीछे फिर अदर कोई इतना चेंजेस नहीं है, हाँ यहाँ पर अपने को क्रोम का इस्तेमाल मिल जाता है, यहाँ पर अपने को नहीं मिलता, वही अगेन सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे इसके मीटर की, तो यहाँ पे एक बार हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे अपने को मीटर देखने के लिए मिल जाता है इसका। यहाँ पे रेंज बताएगा, बैटरी परसेंटेज बताएगा, इवन अगर आपको देखना है कितने परसेंट है तो 40% बैटरी अभी इसकी चार्ज है, तो वो चीज़ आपको टाइम बताएगा। बाकी यहाँ पे जैसे अगर हम इसको ड्राइव मोड में लगाते हैं, मैं बता दूँ अगर आपको इसको ड्राइव मोड में लगाना, तो सबसे पहले साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ड्राइव मोड पर लगेगी। तो ब्रेक दबा के डी दबाएंगे तो यहाँ पे ईको और ड्राइव लिखा जाएगा, अगर स्पोर्ट होता है तो ड्राइव और स्पोर्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर रिवर्स भी आता है, आर बटन दबाएंगे तो ये रिवर्स लग जाएगा। जैसे आप रिवर्स करेंगे तो 3 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे
आपको रिवर्स स्पीड मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अपने को चेतक का लोगो मिल जाता है एक्सेलरेटर के ऊपर, जो कि आपको बेस मॉडल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, मिसिंग रहने वाला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों के टेक पैक की। इसके अंदर टेक पैक अगर आपको लेना है तो 3,000 रुपये का आपको टेक पैक पड़ेगा। इसी के अंदर अगर आप अर्बन के अंदर लोगे तो आपको 8,000 रुपये का पड़ेगा। इसका टेक पैक लाइफ टाइम है, इसका टेक पैक 5 साल के लिए है। तो ये चीज़ है। दोनों की बैटरी सेम है, 2.88 किलोवाट की बैटरी मिलने वाली है। रेंज दोनों की थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर इसकी रेंज की बात करता हूँ, 113 किलोमीटर इसके अंदर रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी। बट वहाँ ये वाली जो देगी वो देगी 123, मतलब 123 किलोमीटर की रेंज ये देने वाली है। टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों की ही टॉप स्पीड सेम है, 63 किलोमीटर पर आवर यहाँ दोनों की टॉप स्पीड रहने वाली है। और अगर बात करते हैं मोटर की, तो मोटर में भी डिफरेंस है। इसके अंदर 3 किलोवाट की मोटर मिलती है, इसके अंदर 4 किलोवाट की मोटर मिल जाती है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। वारंटी की बात करें तो दोनों की ही वारंटी 3 साल 50,000 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसको एक्सटेंड भी करा सकते हो आप। एक साल एक्सटेंड हो जाएगी और 20,000 किलोमीटर एक्सटेंड और उसके अंदर किलोमीटर्स हो जाएंगे। तो गाइस ये था एक डिटेल्ड कंपेयर्ड वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय गाइस।